कैसे हैं आप लोग? वैसे बुलाया तो आप लोगों को था, लेकिन फिर हम खुद ही आ गए बात करने। अच्छा किया जो आप लोग आ गए, वरना वैसे तो हम ही बेइज्जत होकर निकलते हैं आपके घर से। नीलम, अब क्या बदला लोगी हमसे? नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है। वैसे आज सूरज कहाँ से निकला है? मारुख को तो शदीद एतराज था इस रिश्ते से। मारुख को एतराज था जो अब नहीं है। हमें जुनेद और उम्मीद के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। और मारुख, आपको अपनी बेटी की खुशी के खातिर मैं ये जहर का घूंट पीने के लिए तैयार हूं। इसे मैं रजामंदी समझूं या तुम्हारा तंज? मतलब क्या है तुम्हारा? अगर हम इतने ही बुरे लग रहे हैं तो क्यों कर रही हो रिश्ता? मेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है और ये मेरा राइट है कि मैं उसे हाँ कहूं या ना। अगर आप लोगों को इतना ही बुरा लग रहा है तो आप लोग इनकार कर सकते हैं। मारुख और नीलम, प्लीज खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों का फ्यूचर मत खराब करें अपनी अना और जिद के चक्कर में। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इस रिश्ते पर तुम कैसे राजी हो गई। आंटी, मैंने आप सबको बता दिया ना कि मैं ये सब सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के खातिर कर रही हूँ। हमें मारुख को समझाया मैंने, ये अब राजी हो गई है। यकीन तो मुझे अब भी नहीं है। सरमत, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ऐन शादी वाले दिन ये अपनी बेटी को रुखसत करने से इनकार कर दे और हमें लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़े? ये तुम कैसी बातें कर रही हो नीलम? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोगों की तरह हम भी एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। एक बार जबान दे दी तो दे दी। मेरा ख्याल है कि हमें अब पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के खातिर। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, एक बार सब सोच समझ कर फैसला करें, ऐसे नहीं कि बाद में शिकवे शिकायत शुरू हो जाए। वैसे भी मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है। हमारी उम्मीद के लिए भी लड़कों की कमी नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है तो आप लोग भी फैसला कर सकते हैं आराम से सोच समझ कर, ताकि बाद में आप लोगों को कोई शिकवा शिकायत ना हो। अरे भाई, फैसला हो चुका ना, अब किस बात की देर कर रहे हो? बात आगे बढ़ाओ और शादी की तारीख तय कर दो। ठीक है खाला, तो फिर हम पहले निकाह करते हैं और रुखसती बाद में कर लेंगे। नहीं, निकाह और रुखसती एक साथ ही होंगे, एक ही दिन होंगे। हाँ ठीक है, हम आप लोग की हर शर्त पर राजी हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। चलो भाई, मुबारक हो तुम दोनों को। यार मुबारक। और तुम दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी।